टीवी के मोस्ट कंट्रोवर्शियल और फेमस रियलिटी शो बिग बॉस के 15th सीजन की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। इस शो में कंटेस्टेंट्स की दोस्ती से ज्यादा उनकी लड़ाइयों के किस्से मशहूर हो जाते हैं। शो को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अब तक कई सारी लड़ाइयां सामने आ चुकी हैं, तो वहीं कई विवाद जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहे हैं। शो में टीवी के हैंडसम हंक करण कुंद्रा के साथ प्रतीक सहेजपाल, जय भानुशाली, निशान भट्ट, शमिता शेट्टी जैसे कई सितारे मौजूद हैं। अब हाल ही में करण कुंद्रा ने शमिता को आंटी बुला दिया है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर एज शेमिंग को लेकर करण बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल इन सब की शुरुआत जय और प्रतीक की लड़ाई से हुई है, जिसके कारण शमिता को आंटी करण ने कह दिया है। बता दें कि एक टास्क के दौरान जय और प्रतीक के बीच बहुत ही खराब तरीके से लड़ाई देखने को मिली। दोनों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि प्रतीक ने जय का कॉलर पकड़ लिया। वहीं जय ने उनके साथ लड़ाई करते हुए कहा कि तू खत्म हो गया है, गेम ओवर, अब कोई नियम नहीं। इन्हीं सब के बीच करण को ऐसा महसूस हुआ कि शमिता ने उन्हें क्लासलेस बुला दिया। इसके बाद एक बातचीत के दौरान करण ने निशान से कहा कि शमिता आंटी है और वो क्यों किसी की लड़ाई का मुद्दा बनाती है। अब करण की इस बात को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि हंसी आती है कि लोग अभी भी सही से नहीं जान पाते, निशांत ने क्लासलेस शब्द का इस्तेमाल किया था, शमिता ने नहीं। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि एक 37 साल का बड़ा सा आदमी शमिता को आंटी बुला रहा है, जो उम्र में उससे 5-7 साल ही बड़ी है, उन्होंने तो क्लासलेस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया था और करंट शांत हो सकते थे। आपको बता दें कि बिग बॉस 15 को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और घर अभी से दो हिस्सों में बट गया है। लगातार घर में किसी ना किसी बात को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। प्रतीक सहेजपाल की पहले दिन से ही सबसे लड़ाई हो रही है और अब करण कुंद्रा भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में ये बवाल और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल आपका बिग बॉस के 15th सीजन का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।